गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान, हरियाणा डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी गई है। मामले की डिटेल्ड रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को भेजी गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। सोनाली केस में जरूरत पड़ने पर इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री ने मुझे परसों फोन करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी मुझसे ली है। जैसे मैंने कहा, अभी तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। कोई इस केस में नहीं छूटेगा। सोनाली फुगड़ के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी उनको कर दिए हैं। उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशंस और ऑन है। हम पूरी तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन इनकी करेंगे। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस सीबीआई के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। लेकिन उसका पूरा रिपोर्ट जो आज तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उनका रिपोर्ट आज शाम तक हम डीजीपी हरियाणा और सीएम हरियाणा के लिए भी भेज देंगे, जो अभी तक क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि इससे आगे इस तरह के जो ड्रग्स के लिए बिल्कुल गोवा में थारा नहीं दिया जाएगा। हमारा एंटी नारकोटिक सेल यानी विजिलेंटली अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खुद डीजीपी से मैं खुद लेने वाला। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।